अगर आपका पहला क्वेश्चन है कि इंग्लिश समझ नहीं आती, वर्ड्स याद नहीं होते, इंग्लिश पढ़नी तो आती है लेकिन लिख नहीं पाते, इंग्लिश में आंसर कैसे लिखें, इंग्लिश कैसे बोले, अगर आपके ये क्वेश्चंस हैं तो इस वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक, आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो हम इस चैनल पे एक नया बैच स्टार्ट कराने वाले हैं, ठीक है, नाम सुन के मैं आपको सबको क्या बोल रहा हूँ, अर्जुन, क्या बोल रहा हूँ, अर्जुन, महाभारत का अर्जुन, अर्जुन, ये हमारा अर्जुन बैच, या हम इसको बोलते हैं अर्जुन सीरीज, ये इंग्लिश की अर्जुन सीरीज होने वाली है, अर्जुन बैच होने वाला है, जिसमें आप कंप्लीट इन एंड आउट आपको इंग्लिश में मिलेगी, कंप्लीट डिटेल आपको सारी वीडियोस में इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, क्या कराने वाला हूँ, कैसे कराने वाला हूँ, होमवर्क कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, सारी चीज़ बताऊंगा, पर लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको पता है क्या करना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल संजय ई टॉक, जिसमें बिल्कुल आसान तरीके से आपको बहुत सारे चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मेरे को पता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं इंग्लिश को लेकर, तो हम उस क्वेश्चंस के साथ उसका सॉल्यूशन कैसे हम प्रोवाइड कराएंगे वो आपको बताऊंगा। हम क्या नया शुरू कराने वाले हैं, क्या पुराना था हमारा उसके बारे में तो आपको पता ही है, तो उसके बारे में तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्या नया कराने वाले हैं उसके बारे में आपको जानने का हक है, कैसे कराएंगे वो भी जानने का हक है, उसके बारे में बात कर लें। पहले हम देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलते हैं इंग्लिश सीखते वक्त, और पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, उससे ही पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया, इतना मेरे को प्यार दिया, मेरे को भरोसा नहीं था, मतलब मेरे को ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरे को भी इतना प्यार मिल सकता है अपने छोटे बहन भाइयों से, छोटे बहन बड़े भाई जो भी हैं, ठीक है, सबसे मैं इतना आपके बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच, आप मेरे को इतना प्यार दिया, आपने जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, वो जो आपको बताना चाहता हूँ आपने उसको समझा, ठीक है। सबसे पहले फिर एक बात कहूँगा कि आप नोटबुक लेके बैठिए और पेन कॉपी लेके बैठिए, फिर इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि क्या कराने वाला हूँ, क्या शेड्यूल होने वाला है, क्योंकि हम इसमें स्टार्ट कराने वाले एक नया बैच, जो आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई पैसा पे नहीं करना, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग पे करनी है, अपना समय पे करना है, जो दुनिया का जो कि समय नहीं खरीदा जा सकता। आप इतनी प्रीसियस चीज़ अगर मुझे दे रहे हैं तो उसका इस्तेमाल करिए, पेन कॉपी लेके बैठिए, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं और मैं क्या कराने वाला हूँ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के लिए, तो वो देखिए, इंग्लिश के रिगार्डिंग है ये सारी वीडियो, देखो थोड़ी लंबी हो सकती है, पेशेंस बना के बैठिएगा, एंड ऑफ द आपको लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि क्या मैं कराने वाला हूँ, मतलब लास्ट में क्या बीच से ही पता चलेगा कि मैं क्या कराने वाला हूँ, लेकिन लास्ट तक पता चल जाएगा कि मैं क्या चीज़ें सीख चुके होंगे जब ये बैच खत्म होगा, ठीक है। तो देखो, अगर आपका पहला क्वेश्चन है कि इंग्लिश समझ नहीं आती, वर्ड्स याद नहीं होते, इंग्लिश पढ़नी तो आती है लेकिन लिख नहीं पाते, इंग्लिश में आंसर कैसे लिखें, इंग्लिश कैसे बोले, अगर आपके ये क्वेश्चंस हैं तो इस वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक, आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो आपके कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इंग्लिश समझ नहीं आती इसका आंसर मिलेगा, वर्ड्स याद नहीं होते इसका आंसर मिलेगा, इंग्लिश पढ़नी तो आती है लेकिन लिख नहीं पाते इसका आंसर मिलेगा, इंग्लिश में आंसर कैसे लिखे इसका आंसर मिलेगा। अगर आपके ये चार क्वेश्चन हैं तो आपको इस वीडियो में आंसर मिलेगा, पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। चलो अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मैं अपनी तरफ से क्या कराने वाला हूँ, आपको क्या करना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हम इस चैनल पे एक नया बैच स्टार्ट कराने वाले हैं, ठीक है, नाम सुन के मैं आपको सबको क्या बोल रहा हूँ, अर्जुन, क्या बोल रहा हूँ, अर्जुन, महाभारत का अर्जुन, अर्जुन, ये हमारा अर्जुन बैच, या हम इसको बोलते हैं अर्जुन सीरीज, ये इंग्लिश की अर्जुन सीरीज होने वाली है, अर्जुन बैच होने वाला है, जिसमें आप कंप्लीट इन एंड आउट आपको इंग्लिश में मिलेगी, कंप्लीट डिटेल आपको सारी वीडियोस में इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, क्या कराने वाला हूँ, कैसे कराने वाला हूँ, होमवर्क कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, सारी चीज़ बताऊंगा, पर लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको पता है क्या करना है। चलो आगे शुरू करते हैं इस वीडियो में, इस चैनल पर मैं आपको क्या कराऊंगा, देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं स्टार्ट कहाँ से कराऊंगा, कल से ही क्लास आ रही होंगी तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर टेंस, ठीक है, टेंस के जितने ही पार्ट्स होते हैं, या एक हफ्ता लगे या 10 दिन लगे, टेंस को पूरी तरह इन एंड आउट खत्म करेंगे, ताकि आपको किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। टेंस की हम बात करें, टेंस हम कवर करेंगे, फिर हम एक एक मोडाल्स को पकड़ेंगे, मोडाल्स कवर करेंगे, फिर एक एक एक्टिव पैसिव को पकड़ेंगे, एक्टिव पैसिव, ठीक है, फिर टेंस हो गया, मोडाल्स हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, इन तीन करते ही तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी, फिर हम करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये नहीं कि सिर्फ मैं आपको यहाँ पे थ्योरी ही बताऊंगा, इतना नहीं,
मैं यहाँ पे थ्योरी नहीं बताऊंगा, थ्योरी के साथ साथ मतलब आपकी थ्योरी तो बताऊंगा, थ्योरी के साथ साथ आपके कम से कम कई जो सेंटेंस होते हैं उनको ट्रांसलेट भी करके दिखाऊंगा इसी बोर्ड पर। ये बोर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी बोर्ड पर मैं आपको सारे के सारे सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करे जाते हैं, क्या तरीका होता है ट्रांसलेट करने का, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा है तो उसको पढ़ने का क्या तरीका होता है, हिंदी में लिखा है तो उसको ट्रांसलेट हिंदी से इंग्लिश में कैसे उसको ट्रांसलेट करें। देखो दो चीज़ें, ट्रांसलेशन जो होती है ना, देखो मैं कंप्लीट आपको ट्रांसलेशन बताऊंगा, क्या बताऊंगा कंप्लीट ट्रांसलेशन। अगर आपका इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है तो उसको हिंदी में कैसे करें, ठीक है। अगर हिंदी में लिखा हुआ है तो उसको इंग्लिश में कैसे करें, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, सारी चीज़ें करते चलेंगे जब हम यहाँ पे टेंस मोडल एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब मैं आपको करा रहा हूँ, साथ के साथ हमें इसकी सेंटेंस की ट्रांसलेशन की भी अप्रोच आपको बताता रहूँगा, क्योंकि जब भी आप इंग्लिश की किताब पढ़ोगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि भाई क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या कहने का मतलब है। दूसरा इतना काम हो गया, एक ग्रामर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसे बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, ये भी ग्रामर का पार्ट होता है और ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का पार्ट होता है। और क्या होता है ग्रामर में, फ्रेजेस है ना, फ्रेज होते हैं, ईडियम्स होते हैं, वो तो वोकैबुलरी का पार्ट है, जैसे कि हमारे क्लॉजेस होते हैं, ठीक है, क्लॉजेस होते हैं, कुछ रिलेटिव प्रोनाउन जो प्रोनाउन का पार्ट है। हाँ, अब इसमें क्या होगा नाउन होता है, क्योंकि देखो जो हर एक वर्ड अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है ना तो ये इन चार कैटेगरी के अलावा कहीं भी स्टैंड नहीं करेगा, या तो वो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है, या वो एडवर्ब होगा, या वो वर्ब होगा, या वो कंजक्शन होगा, ठीक है, या वो इंटरजेक्शन होगा, ठीक है भाई, और या वो प्रीपोजिशन होगा। क्या होगा? प्रीपोजिशन। अगर इनसे रिलेटेड ये कंप्लीट डिटेल मैं आपको बता दूँ, ये कंप्लीट इन एंड आउट में हर एक चीज़ कंप्लीट डिटेल में आपको ये सिखाने वाला हूँ, ठीक है, इस बैच में, अर्जुन बैच में, टेंस मोडास एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती, वो मेरे को बताइएगा, मैं आपको उनके लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि उनके लिए वो क्या कर सकते हैं। वो उनके लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी पड़ती क्योंकि उनको बताना होता है, बाकी उनकी मेहनत, जितनी मेहनत उतनी जल्दी इंग्लिश वो पढ़ना सीखेंगे। बाकी अगर हम बात करें समझने की, लिखने की, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब ये चीज़ें आ जाएंगी तभी आप अच्छी तरह से लिख पाओगे, ठीक है। तो अर्जुन बैच में मैं आपको ये सब कराने वाला हूँ, ये तो आपने देख ही लिया, ट्रांसलेशन कराऊंगा, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको डेली हर एक क्लास में, मैं आपको क्लास के आखिर में मैं आपको कराऊंगा, क्या आपको मैं होमवर्क दूंगा। होमवर्क में कुछ सेंटेंसेस होंगे, है ना, करीबन 10-15 सेंटेंसेस होंगे, तुम क्या कर सकते हो, उनको 10-15 जो सेंटेंसेस होंगे ना उनको ट्रांसलेट करके देखना। अब क्या होगा भैया, हमने ट्रांसलेट कर लिए, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही है या गलत है? हाँ भाई, उसका सोल्यूशन है दो तरीके से पता चल सकता है, वो तरीका मैं बाद में बताऊंगा। पहला तरीका ये है कि मैं इसकी एक वीडियो बना दूंगा, क्या करूंगा, इसकी एक वीडियो बना दूंगा होमवर्क की। जैसे मैंने आज होमवर्क दिया, मैं कल इसकी वीडियो बना दूंगा, कल होमवर्क दिया, इसकी एक वीडियो बना दूंगा। तो होमवर्क वहाँ पर तुम वहाँ से चेक कर सकते हो। अगर मैं वीडियो नहीं बना पाया तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, जैसे कि मान लो मैंने इस वीडियो में आपको कोई टॉपिक समझाया और इसी वीडियो को मैंने होमवर्क दिया, ठीक है, तो क्या होगा, होमवर्क में कुछ सेंटेंस ही तो होंगे, सेंटेंस होंगे। अगर मैं उस होमवर्क के, अगर सेंटेंस की मैं वीडियो नहीं बना पाया ना, तो ये दूसरी जो वीडियो अपलोड होगी अगले दिन जो वीडियो अपलोड होगी ना, यहाँ पे सबसे पहले इस होमवर्क के आपको उसी वीडियो में आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक पेज आपको मिल जाएगा जिसमें सारे सेंटेंस लिखे होंगे। आप देख लीजिएगा कि भैया आपके कौन से सेंटेंस सही है, कौन से सेंटेंस गलत है, ठीक है, और इनको कैसे सही करा जा सकता है, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा उसी वीडियो में, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा काम। आपका काम क्या है, एक नोटबुक लीजिएगा, एक पेन लीजिएगा, एक नोटबुक होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए, लगातार जिन शब्दों को मैं नोट करने के लिए कहूँ वो शब्द नोट करना, जिन सेंटेंस को लिखने को कहूँ उन सेंटेंस को लिखना, प्रॉपर एक, जैसे आपने ट्यूशन लगा, मान लो आपने इंग्लिश का ट्यूशन लगा लिया मेरे पास तीन मंथ, अगर आप ये सोच के आओगे ना कि भाई मैं तो 10 दिन में सीख जाऊंगा, अरे भाई 10 दिन में कोई नहीं सीख सकता, कितना भी बड़ा से बड़ा टीचर हो, ठीक है, या कितने बड़ा से बड़ा स्टूडेंट हो, 10 दिन में नहीं सीख सकता, क्योंकि ये लैंग्वेजेस के लिए सालों लगते हैं, है ना, सालों लगते हैं बोलने में, एक साल लगता है बोलने में, बट लेकिन अगर आपने 3 महीने मेहनत कर ली इन सब चीज़ों पर, तो आप समझना लिखना सीख जाओगे, ठीक है, इतनी मैं आपसे वादा करता हूँ, इतना मैं कह सकता हूँ आपसे, ठीक है। तो 3 महीने
तीन महीने की बात है, तीन महीने मेहनत करो, मुझे दो अपने तीन महीने, ठीक है। ये वीडियोस देखो, सेंटेंस ट्रांसलेट करो, जितनी ज़्यादा मेहनत तुम करोगे उतनी जल्दी तुम्हें इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, ठीक है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने कज़न, ब्रदर, चचेरे भाई, चाचा के लड़के, ताऊ के लड़के, बुआ के लड़के, सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ वो भी सीखें, दो फायदे होते हैं, देखो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के दो फायदे होते हैं। अगर आपके दो तीन दोस्त आपके साथ अगर पढ़ रहे हैं ना, तो आप क्या कर सकते हो, वो सेंटेंसेस जो तुम्हें नहीं आया ना, आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। और इस चैनल पर हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, इतनी मैं गारंटी देता हूँ, आपका काम मैं करवा के मानूंगा, मतलब आपको ये मैं इंग्लिश सिखा के मानूंगा। जब तक नहीं छोड़, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये वादा मैंने आपसे किया है और मैं ये वादा आपसे निभाऊंगा। अभी तक जो हुआ वो अलग बात थी, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों में फंसा हुआ था, अब मैं वहाँ से निकल चुका हूँ, आपके साथ रहूँगा, आप भी मेरा साथ देना, आप मेरे को सपोर्ट करिए और मैं आपको इंग्लिश तो सिखा ही दूंगा। रही बात अदर चीज़ों की, जैसे कि मैथ्स है, साइंस है, SST है, अगर आप चाहोगे तो उनके लिए भी मैं वीडियोस में बना सकता हूँ, लेकिन इस चैनल पे मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, इस चैनल पे मैं इंग्लिश का ही रखूँगा। इंग्लिश में हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। अर्जुन बैच स्टार्ट होने वाला है कल से, आ जाइए, लगातार रेगुलर वीडियोस आएंगी, देखिए, समझिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अपने घर वालों का सर आपको ऊँचा रखना है और कभी उनको उनका सर कभी झुकने नहीं देना, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, ताकि तभी आप अगर कभी करियर में अगर कहीं पे आपको दिक्कतें आएँ तो आप इंग्लिश की वजह से आप पीछे ना रह पाए। क्योंकि देखो मैं रहा हूँ इंग्लिश की वजह से पीछे, मैं आपको सामने बता रहा हूँ, मैं इंग्लिश की वजह से बहुत जगह पे पीछे रहा हूँ। मैं 10th क्लास तक हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, 11th में जब गया तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पूरे एक साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया, उसके बाद धीरे धीरे मेरे को आई इंग्लिश। लेकिन जो चीज़ें मैंने सालों में सीखी वो मैं कुछ आपको महीनों में सिखाना चाहता हूँ, कुछ दिनों में सिखाना चाहता हूँ। तो आप बने रहिए, आपके साथ मैं हूँ, आपको मैं सिखा के रहूँगा। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप चीज़ चाहते हैं तो सब्सक्राइब करो, चाहोगे तो सब्सक्राइब करोगे, सीखना चाहते हो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, मेरा प्लान अच्छा लगा अर्जुन बैच सीरीज़ का, तो ये वीडियो को लाइक जरूर करना। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी।